नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पर स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों बाद आप लोगों से यूट्यूब पे मेरी मुलाकात हो रही है। एक्चुअली बात ये थी कि मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था इस बीच में, जिस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब मैं फ्री हुआ हूँ तो मैं कोशिश अब करूँगा कि आप लोगों के लिए पर डे वीडियो बनाकर डालते रहूँ, ताकि आप लोग जहाँ से क्लास रुका हुआ था वहाँ से कंटिन्यू कर पाए। तो देखिए, हम लोग अभी पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने लगभग सारे टाइप कवर कर लिया है। लगभग हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म होने के कगार पे पहुंच गया था। इसमें कुछ एक आधा टाइप बचा हुआ है वो, और लॉजिकल क्वेश्चन का पूरा सीरीज बचा हुआ है वो। तो हम लोग अभी करेंगे क्या कि जो एक टाइप बचा हुआ है उसको पहले कंप्लीट करेंगे, इसके बाद लॉजिकल क्वेश्चन का जो सीरीज बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट होगा, इसके बाद हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट चलेगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट चलेगा। इसके बाद हमारा ये सब खत्म होने के बाद हम आगे देखेंगे कि हमें क्या करना है। फिलहाल हमें इतने टॉपिक इस सीरीज से लेकर चलना पड़ेगा। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वहाँ से जहाँ से हम लोग छोड़ रखे थे अभी तक। तो हम लोगों ने देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक टाइप बचा हुआ है उस टाइप को अभी हम कंप्लीट करेंगे। तो क्या है वो टाइप? उस टाइप को हम लोग परसेंटेज में बहुत ही अच्छे तरीके से कर रखे हैं। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि परसेंटेज पूरा ही उसी टाइप पे हम लोगों ने किया है। 60-70% परसेंटेज उसी तरह से किया है जो टाइप हमारा अभी बचा हुआ है। अभी अंतर क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस में और उसमें? वहाँ पे क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग होता था, यहाँ पे क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग हो जाएगा। बाकी बनाने का सभी प्रोसेस सेम होगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। आप देखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा। यहाँ तक कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप लोगों को ये बताया हूँ उस टाइप का, कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम लोग उस तरह से पढ़े हैं, बस क्वेश्चन का पूछने का तरीका वो अलग अलग करते जा रहा है। आप अभी मैं बताऊंगा तो आपको पता चलने लग जाएगा कि कौन सा टाइप है। परसेंटेज में हम लोगों ने एक पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन पढ़ा था कि किसी शहर या गांव का पॉपुलेशन जनसंख्या इतना है, वो पहले साल से इतना परसेंट से इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज हो रहा होता है, फिर दूसरे साल से इतना परसेंट से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो बताइए अभी शहर का पॉपुलेशन इतना है तो दो साल या तीन साल बाद कितना हो जाएगा। अब आप लोग को याद आने लग गया होगा कि मैं किस टाइप पर बात कर रहा हूँ। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता था कि प्रेजेंट में अभी इतना है तो बताइए दो साल पहले कितना रहा होगा, या फिर पॉपुलेशन में कितने परसेंट का चेंजिंग आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज में किए थे। इस पे और भी क्वेश्चन किए थे कि किसी नंबर को इतने परसेंट से इंक्रीज करवाया गया, फिर इतने परसेंट से डिक्रीज करवाया गया, तो बताइए अभी नंबर इतना है तो इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद कितना बन जाएगा, या फिर उस नंबर में कितने परसेंट का चेंजिंग आया। ठीक है ना? तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज में कर रखे हैं और उसी बेस्ड पे हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में अब क्वेश्चन दे रखा है। बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, बनाने का तरीका हमारा सेम रहेगा। तो देखिए, एक बार मैं उस टाइप का जो वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट उसका पढ़े थे उसका मैं यहाँ पे एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम कैसे कैसे करते थे, और फिर मैं उसी टाइप पे जो प्रोसेस बताऊँगा उसी पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन चिपका दूंगा। आप देखेंगे कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ, सेम हमारा उसी तरह से बनता चला जाएगा। तो देखिए, मैं एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेकर उस चीज़ों को एक बार अच्छे से समझना है। आप लोग समझे भी होंगे, परसेंटेज में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से किए हैं, फिर भी यहाँ पे एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि किसी गांव का जनसंख्या 500 है, 500 है। मैं एक एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं कि किसी गांव का जनसंख्या 500 है, 500 है। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि ये पहले साल 20% से, फर्स्ट ईयर 20% से इंक्रीज कर जाता है। तो 500 तो पहले से ही था और 20% से इंक्रीज करेगा तो इसका 20% कितना बन जाएगा, तो इसका 10% बनेगा 50, तो 20% बन जाएगा 100। यानी जो पॉपुलेशन है 100 से इंक्रीज करेगा, 500 ऑलरेडी है ही, तो कितना बन जाएगा 600। तो ये मैंने 600 यहाँ पे लिख दिया। फिर बोल रहा हूँ कि फिर दूसरे साल ये जो पॉपुलेशन बना ये 10% से डिक्रीज कर जाता है। पहले साल 20% से इंक्रीज किया, 20% से इंक्रीज किया, फिर जो बढ़ने के बाद जो पॉपुलेशन हुआ फिर अगले साल 10% से क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। मैं कुछ भी यहाँ पे लेकर चल सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पे पॉपुलेशन लेकर ही कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई आप नंबर मान लीजिए, कुछ भी मानकर चल सकते हैं कि ये नंबर है, पहले 20% से इंक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होने के बाद जो नंबर बना वो फिर से 10% से डिक्रीज हो जाता है। ठीक, तो देखिए ये अब 10% से डिक्रीज होगा 600, तो इसका 10% कितना 60। अगर 60 से डिक्रीज होगा, कम होगा, तो 600 है और 60 से कम हो गया तो कितना बन जाएगा 540। तो वही 540 मैं यहाँ पे लिख दिया।
इस तरह का क्वेश्चन हम कर रहे थे, या फिर आगे और भी बढ़ता या घटता चला जाएगा, मैं इतना ही तक लेकर आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो देखिए, ये गांव का जो पॉपुलेशन था 500 था, ये पहले 20% से इंक्रीज किया, फिर 10% से डिक्रीज किया, तो ऐसा होने के बाद 2 साल बाद कितना बन जाता है, 540 बन जाता है। इसी चीज़ों को हम ऐसे भी करते थे कि मान लीजिए ये 500 है पॉपुलेशन किसी गांव का या शहर का, कुछ भी मान लीजिएगा, ये 100% के इक्वल रहता था, तो 100% के इक्वल होता था और 20% से बढ़ जाता था, तो कितना बन जाएगा 20% से इंक्रीज करने के बाद। पहले साल 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो 20% से इंक्रीज होने के बाद कितना बन जाएगा, 120%। तो 100% के इक्वल होता था तो 100% हम नीचे लिखते थे, और 20% से इंक्रीज होता था तो 20% हम ऊपर लिख देते थे मल्टीप्लीकेशन में, ऐसा हम करते थे। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते थे कि ये 20% से इंक्रीज हुआ है तो इसका 120% निकाल देंगे तो डायरेक्ट ही हमारा इंक्रीज होने के बाद वाला वैल्यू ये आ जाएगा, तो 120% भी लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे, बस परसेंटेज का साइन यहाँ पे हट जाएगा। फिर ये जो वैल्यू बना, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 600 बन जाएगा, 600, यहाँ तक हम पहुँच गए 20% बढ़ने के बाद। फिर ये जो पॉपुलेशन बना, ये फिर से 10% से डिक्रीज कर जाता है, तो जो भी ये पॉपुलेशन 600 बनेगा, अपने आप में फिर से 100% ये होगा, तो 100% अगर होगा तो 100% हम नीचे लिख देते हैं, और 10% से डिक्रीज होगा तो 90% हम ऊपर लिख देते हैं, 90% बन जाएगा। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये फिर से कितना बन जाएगा, 540। ऐसा हम करके आए हैं पीछे। अब ये नहीं आपको सोचना है कि भाई ये 100% के इक्वल होता है तो 100% हम नीचे कैसे लिखते हैं, ये सब चीज़ें मैं पहले बता रखा हूँ परसेंटेज में, अगर इस समय किसी को डाउट हो रहा है तो परसेंटेज का वीडियो आप पहले देखिए। फिर देखिए, इसी क्वेश्चन को हम ऐसा भी करते थे कि ये 500 है, ये 20% से इंक्रीज करता है पहले, तो 20% का हम जानते हैं फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। शुरुआत में अगर 5 यूनिट रहा होगा और ये 20% से इंक्रीज करता है, यानी 1 यूनिट से इंक्रीज कर जाता है, तो बन कितना जाएगा, 6 यूनिट। तो ये 500 शुरुआत में 5 यूनिट के इक्वल होगा तो 5 यूनिट नीचे, और इंक्रीज होने के बाद 6 यूनिट बढ़ जाता है तो 6 यूनिट ऊपर, यानी मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं। इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो 600 आएगा, यानी हम फिर से यहाँ तक पहुँच गए। देखिए, हमने कुछ नहीं किया, इसको और इसको काटे तो यहाँ पे 5 बनेगा और यहाँ पे 6 बनेगा, 20 से काटेंगे तो वही चीज़ों को हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। फिर ये जो पॉपुलेशन बना, ये फिर 10% से डिक्रीज करेगा, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए 10% इक्वल्स टू 1/10। अगर शुरुआत में 10 यूनिट रहा होगा और 10% से डिक्रीज कर रहा है, यानी 1 यूनिट से डिक्रीज कर रहा है, यानी कितना बन जाएगा, 9 यूनिट बन जाएगा। तो शुरुआत में 10 यूनिट रहा होगा तो 10 यूनिट नीचे, और जितना बन जाएगा वो ऊपर मल्टीप्लीकेशन में। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये फिर से कितना बन जाएगा, 540। इस तरीके से हम करते आ रहे थे। फिर जो एक हमारा कॉमन मेथड था, जिससे हम हमेशा क्वेश्चन को करते आ रहे थे, वो किस तरह का था, उस चीज़ों को समझिएगा एक बार। देखिए, इस सब चीज़ों को हम एक अलग मेथड पे लेकर आ जा रहे थे कि इस चीज़ों को छोड़ दे रहे थे, और जितना परसेंट से इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा था वो चीज़ें हम यहाँ पे लिख रहे थे। कैसे, समझिएगा, जैसे 20% से इंक्रीज कर रहा था तो 20% मतलब 1/5, 5 रहा होगा, 1 यूनिट से इंक्रीज कर गया तो कितना बन जाएगा, 6, तो 5 से कितना बनेगा ये, 6 पहली साल के लिए। दूसरी साल में 10% से डिक्रीज कर जाता है तो 10% मतलब 1/10, और 10 रहा होगा तो 10% यानी 1 यूनिट से डिक्रीज करेगा, कितना बन जाएगा, 9 यूनिट, यानी 10 से 9 बन जाएगा। हम क्या करते थे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते थे और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते थे, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये बन जाएगा 50 और ये बन जाएगा 54। तो देखिए एक बात, क्या कि शुरुआत में पॉपुलेशन इतना था और बन लास्ट में 2 साल बाद इतना बन जाता था, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे मानते थे कि ये शुरुआत वाला पॉपुलेशन है और ये 2 साल बाद का पॉपुलेशन है, ऐसा हम मानकर चलते थे। या फिर हम ऐसा भी बोलते थे कि ये शुरुआत वाला नंबर है और ये 20% इंक्रीज हुआ, 10% डिक्रीज हुआ तब इतना बन जाता था, तो ये शुरुआत वाला नंबर हमारा यहाँ पे आ जाता था और दो बार इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद वाला नंबर ये बन जाता था। तो देखिए, यहाँ पे हमने जो हमें कैलकुलेट किया है कि शुरुआत का पॉपुलेशन कितना है, 50 यूनिट, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शुरुआत वाली जो पॉपुलेशन प्रेजेंट में था कितना था, 500, तो 50 यूनिट का वैल्यू कितना बन गया, हमने बोला 50 यूनिट, क्वेश्चन बोल रहा है 500, तो इसका मतलब 50 यूनिट का वैल्यू 500, तो हमने लिख दिया 50 यूनिट का वैल्यू 500, तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, कितना बन जाएगा, 10। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये इसका 10 टाइम्स है, तो इधर भी अगर 54 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो ये भी 10 टाइम्स हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 500
40, या 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 54 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा, 540। देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पे भी निकाला, वही चीज़ हमने यहाँ पे भी निकाला। तो हम इस हिसाब से क्वेश्चन को परसेंटेज में करते आ रहे थे, चाहे वो पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन हो, या किसी नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज करवाना हो, या किसी वर्कर का सैलरी पहले बढ़ जाता था कुछ परसेंट से, फिर घट जाता था कुछ परसेंट से, तो सारे क्वेश्चन हम इसी तरीके से करते थे। अब देखिए कि अब हम इसी चीज़ों को प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे यूज करेंगे, एग्जामिनर कैसे आपको क्वेश्चन दे रहा है, सेम यही चीज़ें रहेगा, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, उस चीज़ों को लैंग्वेज वो बदल देगा। कैसे, वो चीज़ों को समझना है आपको। क्वेश्चन ये बोलेगा कि देखिए कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, उसके पास कोई आर्टिकल्स है, मैं मान लेता हूँ उसके पास ये मार्कर है, इस मार्कर का उसका कीमत है जो कॉस्ट प्राइस है वो 500 है। तो ए के पास एक मार्कर है जिसका जो कॉस्ट प्राइस है 500 है। ए क्या करता है, उस मार्कर को बेच देता है बी के साथ, यानी ए इस मार्कर को बेच देता है बी को, कितने में, 20% प्रॉफिट पे। तो 500 तो कॉस्ट प्राइस है, और उसका 20% प्रॉफिट लेकर अगर बेचेगा तो कितना में बिकेगा, तो 500 का 20% कितना बन जाएगा, 100, यानी 100 प्रॉफिट लेकर बेचेगा तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 600। यानी ए का कॉस्ट प्राइस इतना था और जब बेचा तो कितना बन गया सेलिंग प्राइस, 600। अब बी इसे खरीदा तो बी के लिए ये क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस, यानी बी ने 600 रुपया में इस मार्कर को खरीद लिया। अब क्या करता है, बी भी एक शॉपकीपर है, ये भी आर्टिकल्स को सेल कर देता है, मार्कर को सेल कर देता है, किसके हाथ में, सी के, यानी बी ने सी को इस मार्कर को सेल कर दिया, कितने पे, 10% लॉस पे। यानी कॉस्ट प्राइस था 600 और 10% लॉस पे बी ने सेल कर दिया उसे। तो 10% लॉस पे सेल करेगा, यानी कुछ कम करके सेल कर रहा है 10%, तो 600 कॉस्ट प्राइस है इसका, 10% कितना बन जाएगा, 60, यानी 60 लॉस करके बेच रहा है, तो कितना में बिकेगा, 60 हटा देंगे 540, यानी बी के लिए जो कॉस्ट प्राइस था 600 था, सेलिंग प्राइस कितना बन गया, 540, बी ने सी को सेल कर दिया। अब सी ने इसे कितना में खरीदा, 540 रुपीज में। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आ रहा है कि देखिए सेम चीज है हमारा, कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है यहाँ पे, सिर्फ ये बोल दिया कि ए के पास कोई आर्टिकल्स था जिसको 20% प्रॉफिट पे बी को बेच दिया, बी के पास जो भी आर्टिकल्स आया, बी ने जितना में भी खरीदा उसको 10% लॉस सह के किसको बेच दिया, सी को बेच दिया। तो यहाँ पे अंतर क्या हो गया, देखिए जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था उस चीजों को समझिएगा, परसेंटेज में हम इंक्रीज करके समझ रहे थे, जहां पे लॉस हो रहा है परसेंटेज में इस चीजों को हम डिक्रीज करके समझ रहे थे कि ये नंबर है ये 10% से डिक्रीज हो जा रहा है। यहां पे क्या बोल दिया कि ये कॉस्ट प्राइस और 10% ये लॉस करके इस आर्टिकल्स को बेच रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस बन जा रहा है बी के लिए, ये कॉस्ट प्राइस बन जा रहा है। तो आपको इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, आपको समझना कैसे है कि जहां पे प्रॉफिट हो रहा है उसको इंक्रीज लेकर समझना है, और जहां पे लॉस हो रहा है उसको डिक्रीज लेकर समझना है सीधा, और आगे कुछ समझना नहीं है आपको। ऐसे नहीं समझना है कि भाई इतना इतना ये सब चीज़ उतना झोल झाल नहीं करना है आपको, सिंपली अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये वैल्यू दे दिया रहेगा ये आपसे पूछ लेगा, या फिर ये दे दिया रहेगा तो ये चीज़ आपसे पूछ लेगा। तो प्रॉफिट का मतलब इंक्रीज, लॉस का मतलब डिक्रीज कर देना है वहाँ पे। अब आइए यहाँ पे, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन बनाना है इस तरह का, उसमें दो मेथड हम यूज करेंगे, एक तरह से एक ये मेथड यूज करेंगे, ये मेथड हम वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन से करने में बहुत आसान हो जाएगा, हम लिखेंगे भी नहीं, अच्छे अच्छे कैलकुलेशन को वहाँ पे हम देखेंगे कि नोट भी नहीं कर रहे हैं, माइंड में ही कैलकुलेट करके आंसर बता दे रहे हैं, ऐसा मैं सिखा दूंगा आपको यहाँ पे। ये जो हो गया कि अगर निकालना पड़ जाए तो ये मेथड को हम यूज करेंगे। अब समझिएगा इस मेथड पे हम लगाएंगे कैसे, इस चीज़ों को एक बार अच्छे से समझना है। देखिए शुरुआत वाला था यहाँ पे, ये जो प्राइस था ए के लिए था, और वो प्राइस यहाँ पे जो आ रहा है ए के लिए यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू निकल के आ रहा है ए के लिए कॉस्ट प्राइस बनेगा। समझिएगा ये ए का कॉस्ट प्राइस होगा 50 यूनिट यानी 500 रुपीज, और ये 540 सी के लिए कॉस्ट प्राइस बन जा रहा है, यानी ये जो वैल्यू आएगा 54 यूनिट या फिर हम कहें 540, ये सी का कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। इस चीज़ों को एक बार अच्छे से समझ लेना है, ये बन जाएगा ए का कॉस्ट प्राइस और ये बन जाएगा आपका सी का कॉस्ट प्राइस। कभी कभी ये चीज़ें दे देगा आपसे, ये पूछ लेगा, या ये दे रहा है तो ये पूछ लेगा, या फिर इसमें परसेंटेज में कितने चेंजिंग आया ये चीज़ें आपसे पूछ लेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, बस लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन अलग बना दे रहा है, सेम चीज़ें हैं यहाँ पे। तो जिनको भी ये चीज़ें उतारना है एक बार आप उतार लीजिए, फिर मैं आता हूँ आपको क्वेश्चन पे। मैं मिटा रहा हूँ इसको, आइए देखिए ये क्वेश्चन है, इसको पढ़कर एक बार बनाइए आप लोग, समझिएगा फिर मैं बता रहा हूँ, सिंपल है आप लोग से भी बन जाएगा। देखिए एक बार क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि ए के पास कोई आर्टिकल्स है
जिसका जो कॉस्ट प्राइस है 1,500 रुपीज है। बोला क्या जा रहा है, ए इसको सेल करता है बी को कितने पे, 20% प्रॉफिट लेकर, और बी भी क्या करता है इसको सेल कर देता है सी को 25% प्रॉफिट लेकर। तो बोलता है ए के पास जो 1,500 प्राइस था तो सी ने इसे कितना में खरीदा, सी का कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। देखिए मैं दो तीन तरीका से यहाँ पे पहला क्वेश्चन है तो देख लीजिए एक बार, फिर मैं डायरेक्ट करना शुरू कर दूंगा इस चीज़ को। देखिए ए के पास कोई आर्टिकल्स था, उसका प्राइस कितना था 1,500, इसको 20% प्रॉफिट लेकर ए ने सेल किया, तो 20% सेल किया किसको, बी को, तो बी इसे कितना में खरीदेगा, तो इसका 20% इसका 10% बन जाएगा 150, तो 20% बन जाएगा इसका 300 प्रॉफिट लेकर सेल करेगा तो कितना में सेल करेगा, 1500 प्लस 300 1800। फिर बी जब इसको सेल कर रहा है यहाँ पे सी को, तो सी इसे कितना में खरीदेगा, तो बी ने इसे 25% प्रॉफिट लेकर सी को सेल कर दिया, तो इसका 25% निकाल कर इसमें जो ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा, ये चीज़ हमारा प्राइस निकल के आ जाएगा। इसका 10% कितना बनेगा 180, 20% कितना बनेगा 360, प्लस 5% कितना बनेगा 90, तो 360 प्लस 90 कितना बन जाएगा 450, यानी बी ने इस पर 450 रुपीज़ का प्रॉफिट लेकर सी को सेल कर दिया। तो इसमें कॉस्ट प्राइस इतना है, 450 का प्रॉफिट लेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा 2,250 रुपीज, यानी सी ने उसको इतना में खरीदा। ये चीज़ हम भरवली भी कर सकते थे, अगर आप देखो एक बार तो 1500 था, 20% बढ़ेगा यानी 300 बढ़ेगा, 1800 बन जाएगा, 1800 का फिर 25% बनेगा यानी 450 बढ़ जाएगा, आप डायरेक्ट 2250 लिखेंगे इस चीज़ों को। देखिए या फिर हम इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि पहले 20% बढ़ा, यानी आपको ऐसे समझना है कि ये इंक्रीज हो रहा है, अगर इस टर्म में हम करें क्वेश्चन को 20% इंक्रीज हो रहा है, 20% मतलब कितना 1/5, यानी 5 से कितना बन जाएगा वैल्यू 6, फिर 25% से इंक्रीज हो रहा है तो 25% मतलब 1/4, यानी 4 से कितना बन जाएगा 5, ये चीज़ें समझना है आपको। तो देखिए कुछ कटने वाला होता है तो हम काट भी देते थे, ऐसा हम लोगों ने परसेंटेज में पढ़ा था कि कुछ कटने वाला है काट देंगे, यहाँ पे ये भी कट जाएगा, इस साइड वाले वैल्यू को काट देता है, तो ये दो से काटेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, इधर बच गया 2, इधर बच गया 3। अब मैंने आपको बताया है ये चीज़ें क्या है, ए के लिए कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है सी का कॉस्ट प्राइस है, तो समझिएगा ए का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 2 यूनिट हमने निकाला, 2 यूनिट, क्वेश्चन क्या बोल रहा 1,500, यानी हमने बोला 2 यूनिट फ्रैक्शन में यूनिट में, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1,500, यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा 1,500, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा यहां से 750, आधा बन जाएगा, तो हमें निकालना क्या है 3 यूनिट, 3 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा 2,250, 750 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2,250 रुपया बन जाएगा, ये चीजें रुपीज में दे रखा है, बस इसी तरीके से हमें सॉल्व कर देना है। तो हमें क्वेश्चन को इस तरीके से भी वर्बली आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से हमें सॉल्व करने आना चाहिए। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद वो फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, सिमिलर क्वेश्चन है कि ए के पास कोई आर्टिकल्स था 500 का, उसको 30% प्रॉफिट लेकर ए ने सेल किया बी को, और बी क्या कर रहा है उसको सी को सेल कर रहा है 20% लॉस लेकर, तो बताइए सी का क्रय मूल्य कितना बन जाएगा। डायरेक्ट अगर आप सोचते हैं तो 500 था ए के पास, 30% से इंक्रीज कर गया तो 500 का 30% कितना बन जाएगा, 500 का 10% बनेगा 50, तो 30% कितना बन जाएगा 150, यानी 150 से इंक्रीज कर जाएगा तो कितना बन जाएगा 650। अब बी क्या कर रहा है उसको 20% लॉस लेकर सेल कर रहा है, तो 650 का 20% निकालेंगे सी का हमारा से, ये सी के लिए कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। देखिए एक बार मैं कर दे रहा हूँ इन चीज़ों को, इस मेथड से मैं कर रहा हूँ, बाकी जितना भी मेथड से करना है आप लोग कर लीजिएगा। 30% से इंक्रीज कर रहा है पहले, तो 30% मतलब 3/10, 30% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 3/10, यानी 10 से कितना बन जाएगा 13, 10 था 3 यूनिट इंक्रीज हो गया तो 10 से 13 बन जाएगा। फिर 20% से डिक्रीज हो रहा है तो 20% मतलब 1/5, यानी 5 से कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, ये होता है ए का कॉस्ट प्राइस, ये होता है सी का कॉस्ट प्राइस। ए का कॉस्ट प्राइस कितना है 50 यूनिट, क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 500, 50 यूनिट का वैल्यू कितना 500, तो ये इसका 10 टाइम्स है तो इधर भी 10 टाइम्स कर देंगे कितना बन जाएगा, इधर 10 टाइम्स करेंगे तो 520 रुपीज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो फिर से दिख रहा है उसको बनाएंगे एक बार आप लोग, आइए समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सी के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो दे रखा है और ए के लिए कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। जैसे पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन में पढ़ते थे कि अभी का पॉपुलेशन इतना है तो 2 साल पहले कितना रहा होगा, 3 साल पहले कितना रहा होगा, वो पॉपुलेशन आप बताइए। तो उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, समझिएगा। बोल रहा है कि ए किसी आर्टिकल्स को जो सेल करता है वो 20% प्रॉफिट पे सेल करता है बी को, और बी उसे 25% प्रॉफिट पे फिर से सेल कर देता है सी को, और सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, 2250 रुपीज, 2250 रुपये में। तो बोलता है ए कितना में खरीदा होगा, ए के पास जब वो आर्टिकल्स रहा होगा तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, ये चीज़ आपसे पूछ लिया है क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे भाई, 20% पहले इंक्रीज कर रहे हैं, 20% मतलब 1/5, यानी 5 से कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। फिर बोल रहा है 25% से फिर से इंक्रीज कर रहा है, 25% मतलब 1/4, यानी 4 से कितना बन जाएगा, 5, ये चीज़ें बन जाएगा। यहाँ पे मैंने इसे काट दिया, इसे काटूंगा तो ये 2, इसे काटेंगे तो ये 3, ये कितना बन गया, 2, ये कितना बन गया, 3। ये ए के लिए कॉस्ट प्राइस हुआ और ये सी के लिए कॉस्ट प्राइस हुआ। इस बार क्या दे रखा है, सी का कॉस्ट प्राइस, यानी हमने निकाला 3 यूनिट, क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 2250, तो 3 यूनिट का वैल्यू आ गया 2250। तो 1 यूनिट का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 750 आ जाएगा ये चीज़ें, तो 2 यूनिट का वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 1500 बन जाएगा, 1500 रुपीज ये बन जाएगा। पहला वाला जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसी का उल्टा दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद वो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप लोग। आइए देखिए, ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे किया है, उसी तरह का क्वेश्चन है। अच्छा एक बात और कि मैं थोड़ा सा फास्ट खींचे जा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये टाइप हम बहुत ही अच्छे तरीके से परसेंटेज में पढ़ रखे हैं, पूरा परसेंटेज 60-70% क्वेश्चन हमने परसेंटेज पे इसी तरीके से बनाया है कि किसी आर्टिकल्स का प्राइस बढ़ जाता है, कंजम्पशन इतना परसेंट से डिक्रीज हो जाता है, एक्सपेंडिचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारे क्वेश्चन हम इसी टाइप से कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमने इस तरह के टाइप पे यूज किया है क्वेश्चन को बनाने के लिए, ये टाइप ये तरीका हमने यूज किया है। इसलिए मैं थोड़ा सा खींच रहा हूँ इस चीज़ों को, सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी अभी मैं दे रहा हूँ, धीरे 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 मैं लेवल बढ़ा दूंगा क्वेश्चन को, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए फिर मैं बढ़ा दूंगा लेवल इस चीज़ों को। देखिए ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, क्या बोल रहा है, ए किसी आर्टिकल्स 30% प्रॉफिट लेकर बी को सेल करता है, बी उसे 20% लॉस लेकर यानी 20% लॉस सहकर सी को सेल करता है। तो सी ने इस आर्टिकल्स को कितना में खरीदा, 520 रुपीज में। तो बोल रहा है ए जब खरीदा होगा, ए के पास जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा इस आर्टिकल्स का कितना रहा होगा, ये चीजें फाइंड आउट करके बता दीजिए। यानी इस साइड वाले वैल्यू दे रखा है सी का और ए वाला वैल्यू आपसे पूछ लिया है। कैसे करेंगे, 30% इंक्रीज कर रहा है, पहले 30% प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब हमें समझना है इंक्रीज हो रहा है ये वैल्यू। तो 30% से इंक्रीज हो रहा है, 30% मतलब 3/10, यानी 10 रहा होगा और 3 से इंक्रीज कर जा रहा है, कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। फिर बोल रहा है 20% से डिक्रीज हो रहा है, यानी बी ने 20% लॉस पे बेचा है उसको हम लोग डिक्रीज समझ कर चलते हैं, तो यानी 20% से डिक्रीज हो रहा है। तो 20% से डिक्रीज हो रहा है, 20% मतलब 1/5, यानी 5 रहा होगा, 1 से डिक्रीज हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 4। यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 50, यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 52। अब एक बात और मन में आ रहा है, सर यहाँ पे ये चीज़ें कटने वाले हैं, काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे इसका भी आधा आ जाएगा, इधर आधा भी आधा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 50 है तो 0 है, तो थोड़ा कैलकुलेशन ईजी पड़ जाएगा, इसलिए मैंने काटा ही नहीं इस चीज़ों को। अब देखिए ये ए का कॉस्ट प्राइस बन गया, ये सी का कॉस्ट प्राइस बन गया, सी का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, हमने निकाला 52 यूनिट, क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 520 रुपीज, यानी 52 यूनिट का वैल्यू 520 रुपीज, यानी इधर ये 10 टाइम्स हो रहा है, तो ये वैल्यू ए का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, यानी ये वैल्यू कितना बन जाएगा, ये भी 10 टाइम्स बन जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 500 बन जाएगा, 500 रुपीज। नोट कीजिए इसको, नोट करने के बाद वो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। आइए समझिए इस क्वेश्चन को, देखिए इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रखा है, वैल्यू में आपसे नहीं चीज़ें पूछा जा रहा है। जैसे हम लोग पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन पढ़ते थे कि बताइए पॉपुलेशन में कितने परसेंट का चेंजिंग आया, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या कि ए के पास जो आर्टिकल्स है वो बी को बेचता है 20% प्रॉफिट लेकर, और बी उसे 25% प्रॉफिट लेकर सी को सेल कर देता है। तो बोलता है ओवरऑल प्रॉफिट बताइए, यानी ओवरऑल चेंजिंग बताइए कितने परसेंट का चेंजिंग हो रहा है, यानी ए के पास जो था 100 और जाते जाते सी के पास जो आर्टिकल्स बना प्राइस, वहाँ तक जाते जाते ए से सी तक जाने में कितने परसेंट का चेंजिंग आया, इसको ये प्रॉफिट के टर्म में पूछ लिया कि रिजल्टेंट प्रॉफिट आप बताइए, रिजल्टेंट प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, ये चीज़ आपसे पूछ लिया है। कैसे करेंगे, पहले प्रॉफिट हो रहा है तो यानी इंक्रीज हो रहा है,
दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, तो 20% से एक बार इंक्रीज हो रहा है, 25% से एक बार इंक्रीज हो रहा है। 20% का मतलब 1/5, 5 से कितना बनेगा, 6 बन जाएगा, ये 20% इंक्रीज हो रहा है। 25% फिर से इंक्रीज हो रहा है, यानी 1/4, यानी 4 से कितना बनेगा, 5 बन जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ कटने वाला होगा तो काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे तो ये 2, यहाँ पे काटेंगे तो ये 3, यानी इधर मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे 2, इधर मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे 3। अब देखिए, ए के पास जो कॉस्ट प्राइस था उस आर्टिकल्स का 2 यूनिट था, 2 यूनिट। सी के पास जो कॉस्ट प्राइस है वो 3 यूनिट आया। तो यही चीज़ आपसे पूछ रहा है कि ए से सी तक जाने में कितने परसेंट का चेंजिंग आया, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे 2 यूनिट है, यहाँ पे 3 यूनिट है, कितने का चेंजिंग हुआ, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का चेंजिंग किस पे हुआ है, 2 यूनिट पे, क्योंकि शुरुआती प्राइस जो रहा होगा ये 2 यूनिट ही तो रहा होगा, और उस पे 1 यूनिट का इंक्रीज हो गया, यानी 1 का चेंजिंग हुआ किस पे, 2 यूनिट पे। हम ऐसा बोले कि 1 जो है 2 का कितना परसेंट, इतना ही परसेंट का तो चेंजिंग होगा, तो कैसे निकालते हैं, 1 ऊपर 2 नीचे। वैसे भी सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई 50% है, 1 इस 2 का 50% है, तो 1 ऊपर 2 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना बन जाएगा ये 50%। यही आपका आंसर हो गया। आप फिर से क्या कीजिए, वो फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, सिमिलर क्वेश्चन दिख रहा है, बनाइए आप इसी को, आइए समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन है उसी तरह का, कि ए के पास कोई आर्टिकल्स था, ए ने उस आर्टिकल्स को बी को बेचा कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 30% प्रॉफिट पे, और बी ने खरीद कर फिर उसको सी को बेच दिया कितने पे, 20% लॉस पे। तो बोलता है टोटल ए से सी तक जो आर्टिकल्स गया और उसमें प्राइस का जो चेंजिंग आया वो कितने परसेंट का आया, वो चीज़ आपसे पूछा है, सिमिलर क्वेश्चन है उसी तरह का। तो समझिएगा, 30% का प्रॉफिट ला रहे, 30% इंक्रीज हो रहा है, तो 30% मतलब 3/10, यानी 10 यूनिट रहा होगा, 3 से इंक्रीज कर जाएगा, कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। फिर आपको बोल रहा है 20% से डिक्रीज हो रहा है, 20% लॉस पे जो बेच रहा है उसको डिक्रीज समझ के चलना है, 20% मतलब 1/5, यानी 5 रहा होगा, 1 से डिक्रीज हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 बन जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये 13×52 बन जाएगा। ये ए का कॉस्ट प्राइस हुआ और ये सी का कॉस्ट प्राइस हुआ, यानी ए से सी तक जो आर्टिकल्स गया उसमें कितने का चेंजिंग आया, तो देखिए यूनिट में यहाँ पे 2 यूनिट का चेंजिंग आया, तो 2 का चेंजिंग आया किस पे, इस 50 पे, इस 50 पे। यानी अगर परसेंटेज में निकालना है तो मैं सी तो निकालेंगे, ये 2 इस 50 का कितना परसेंट है, कैसे निकालते हैं, 2 ऊपर 50 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना बन जाएगा, 50 2 तो दूनी 4%, यानी ए से सी तक जो गया तो 4% का रिजल्टेंट प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद वो फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उसको बनाना है आपको, समझिए। ये तो क्वेश्चन तो मैंने दे दिया, देखिए क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है, लेकिन प्रोसेस वही है, क्वेश्चन वही चीज़ें बोल रहा है, लैंग्वेज यहाँ पे भी अलग किया है, लेकिन क्वेश्चन हमारा सेम है, कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है। देखिए अभी हम जो पीछे क्वेश्चन कर रहे थे, ये परसेंटेज में हमने कुछ इस तरह का, परसेंटेज में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में ही हमने इस तरह का कुछ क्वेश्चन किया था, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस वाला क्वेश्चन, यानी किसी आर्टिकल्स का कुछ कॉस्ट प्राइस होगा उससे बढ़ाकर कुछ मार्क प्राइस बनाया जाता होगा, और मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट देकर हमारा सेलिंग प्राइस बनता है। यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मार्क प्राइस और डिस्काउंट का खेल बना रहा है यहाँ पे, समझिएगा। मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ कि जैसे ये मार्क प्राइस है और हमारा सेलिंग प्राइस बनता है, मैंने इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट समझाया था कि इधर कॉस्ट प्राइस बनेगा, तो इसका रोल नहीं है यहाँ पे। आपको जो मार्क प्राइस होता था उस पर कुछ डिस्काउंट देकर, कुछ परसेंट का डिस्काउंट देकर हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता था। तो पीछे जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें सिंगल डिस्काउंट देता था कि भाई मार्क प्राइस इतना है उस पर 10%, 20% इस तरह से कुछ सिंगल डिस्काउंट देता था और सेलिंग प्राइस हमारा बना देता था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एक ही बार डिस्काउंट नहीं दे रहा है, 2 बार डिस्काउंट, 3 बार डिस्काउंट देकर पूछ रहा है रिजल्टेंट डिस्काउंट कितना हुआ, ये चीज़ें पूछ लेगा। या फिर जैसे कुछ आर्टिकल्स का मार्क प्राइस रहा होगा उस पर पहले 10% का डिस्काउंट दिया गया, फिर उस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो बोल देगा कि 2 बार डिस्काउंट देने के बाद बताइए सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा। तो देखिए उसी तरह का कुछ क्वेश्चन नहीं हो गया कि भाई कोई नंबर है उसको पहले 10% से डिक्रीज करवाया, फिर 20% से डिक्रीज करवाया, डिक्रीज होने के बाद कितना बन गया, क्लियर है ये चीज़ें, सिमिलर है चीज़ें। यहाँ पे सिर्फ डिक्रीज करवा रहे हैं हम, डिस्काउंट दे रहा है इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है वैल्यू को, क्लियर है। तो उसी तरह का क्वेश्चन दिया है और उसी तरह का क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन को, देखिए क्या बोल रहा है। कोई आर्टिकल्स है जिसका मार्क प्राइस है
2000 रुपीज़, हिंदी में थोड़ा यहाँ पे एरर 200 लिखा हुआ है, उसको 2000 आप लोग कर लेना। कोई आर्टिकल्स है जिसका मार्क प्राइस दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है 2000 रुपये। अब बोल रहे हैं जिस पे दो लगातार छूट मिलता है, कितना का? पहले मिलता है 20% का, फिर 20% मिलने के बाद जो प्राइस बनता होगा उस पर फिर से 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी हमें ऐसे समझना है कि 20% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कोई वैल्यू होगा उसको पहले 20% से डिक्रीज करवाया गया, फिर उसको 10% से डिक्रीज करवाया, तो फाइनली कितना बन गया, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो ये बोल रहा है कि 2000 मार्क प्राइस है, उस पर दो डिस्काउंट दे रहा है, 20% एंड 10%। डिस्काउंट मतलब डिक्रीज समझ नहीं, दो बार डिक्रीज करवाया जा रहा है, एक बार 20%, एक बार 10%। तो बोलता है सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, समझिएगा। यहाँ पे डिटेल से एक बार कर रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट करना सिखा दूंगा। और दूसरा कि इसमें मैंने ऑप्शन भी दे रखा है, तो मैं ऑप्शन से भी करना यहाँ पे सिखाऊंगा आपको। मैंने शुरुआत में जब ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था मैं, तो वहाँ पे बताया था कि एक टाइप ये ऑप्शन से करने के लिए यूज होगा, तो उसी चीज़ों का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो ऑप्शन से जब हम यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक बार समझना पड़ेगा यहाँ पे। पहले देखिए, 2000 किसी आर्टिकल्स का मार्क प्राइस था, 2000 मैं मार्क प्राइस लिख देता हूँ। इस पे पहले 20% का डिस्काउंट दिया गया, 20% का डिस्काउंट दिया गया, यानी 20% से डिक्रीज करवाया गया इस वैल्यू को। तो इसका 20% कितना, 10% बनेगा 200, तो 20% कितना बनेगा 400, 400 से डिक्रीज करवाया गया तो कितना बन जाएगा, 2000 है, 400 से डिक्रीज करवा देंगे तो बन जाएगा 1600। फिर ये जो प्राइस बना, इस पर फिर से 10% से डिस्काउंट दिया जा रहा है यहाँ पे, तो इसका 10% कितना बनेगा, 160। तो 160 अगर घटाकर यहाँ पे लिखेंगे तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा, 1440, 1440 रुपीज़, यानी इतना रुपीज़ आपका बन जाएगा। अब जितना बनेगा दो बार डिस्काउंट देने के बाद, इतना में बेचा जाएगा, यानी ये चीज़ आपका क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। क्लियर है चीज़ें? तो देखिए, जब हम उस वाला मेथड से करते थे कि भाई 20% घटेगा तो 5 से 4 बन जाएगा, 10% घटेगा तो 10 से 9 बन जाएगा, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके, यहाँ इस दोनों को मल्टीप्लाई करके, इस तरह से हम करते थे ना, तो उसमें जो शुरुआती वाला जो ए का कॉस्ट प्राइस होता था वो मार्क प्राइस बन जाएगा, और जो सी का कॉस्ट प्राइस होता था वो सेलिंग प्राइस यहाँ पे डिनोट होगा। समझा देता हूँ मैं एक बार। देखिए, पहले 20% से डिक्रीज हो रहा है, तो 20% का मतलब कितना, 1/5, 1/5, यानी 5 रहा होगा और कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। फिर 10% से डिक्रीज हो रहा है, 10% मतलब 1/10, यानी 10 रहा होगा, 1 यूनिट से डिक्रीज होगा, 9 बन जाएगा। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे 50, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 36 यहाँ पे लिखेंगे। समझना है आपको? तो देखिए, यहाँ पे ये शुरुआत में जो हम अभी ए बी सी वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे, तो वहाँ पे ए का कॉस्ट प्राइस बनता था और ये सी का कॉस्ट प्राइस बनता था। जो यहाँ पे वैल्यू होता था ए, ये वाला वैल्यू आता था, और यहाँ पे सी वाला वैल्यू आ जाता था। तो देखिए, यहाँ पे ए बी सी तो है नहीं, यहाँ वाला वैल्यू मार्क प्राइस बनता है, तो ये चीज़ें हमारा यहाँ पे मार्क प्राइस बन जाएगा, इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ें यहाँ पे क्या बनता है, सेलिंग प्राइस, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा यहाँ पे, ये यूनिट में हमने निकाला। अब हमने जो मार्क प्राइस निकाला है 50 यूनिट, और जो दो बार डिस्काउंट देने के बाद जो सेल कर रहा है आर्टिकल्स को, 36 यूनिट है। तो मार्क प्राइस हमने निकाला 50 यूनिट, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है आपका 2000, तो 50 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा, 2000 रुपीज। तो आपको निकालना कितना है, 36 यूनिट का वैल्यू, 36 यूनिट का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 1440 रुपया। निकालते कैसे हैं, इस तरीके से अगर निकालना है तो कैसे, एक यूनिट का वैल्यू निकालते, एक यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2000 अगर 50 यूनिट के इक्वल है तो 50 यूनिट से डिवाइड कर देंगे, और 36 यूनिट निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको निकालेंगे तो यही वाला वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ पे। समझ गए? अब देखिए, ये तो हमने डिटेल से किया, जब हमें इस तरह से निकालना होगा, एक्चुअल में निकालना ही पड़ेगा तब हम निकालेंगे, ऑप्शन नहीं होगा तब। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन भी दे देता है, क्योंकि 40-50% क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में जो ऑप्शन से बन जाता है हमारा। तो वही चीज़ों को मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे कि ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। तो इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ चीज़ें मिटा दे रहा हूँ। समझिए, यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग। शुरुआत का जो वैल्यू था वो कितना था, 2000। डिक्रीज, ये मार्क डिस्काउंट जो दे रहा है मार्क प्राइस पे, उसको डिक्रीज के टर्म में समझना है। अब देखिए, 2000 ये वैल्यू था, ये पहले कितना से, 20% से डिक्रीज हो रहा है, यानी 20% से डिस्काउंट मिला है, यानी 20% डिक्रीज हो रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/5, यानी 5 यूनिट रहा होगा और 1 यूनिट से डिक्रीज हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 4 यूनिट, यही वाला 5 से 4 बन जाएगा।
तो 2000 5 यूनिट के इक्वल होगा, क्योंकि शुरुआत में 5 यूनिट रहा होगा और 4 यूनिट बन जाएगा, तो 5 यूनिट नीचे 4 यूनिट ऊपर। फिर जो ये वैल्यू बनेगा वो फिर से 10% से डिक्रीज हो रहा है, तो 10% मतलब 1/10, 10 से कितना बनेगा 9 बन जाएगा। तो 10 यूनिट रहा होगा तो 10 यूनिट नीचे शुरुआत में रहा होगा जितना, और 9 यूनिट बन जाएगा वो मल्टीप्लीकेशन में। अब समझिएगा ये चीज़ें हमें करना था। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1900, दूसरा ऑप्शन है 1700, 1440 और 1400, ऐसा चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, क्या यहाँ पे मैं डिविजिबल रूल का यूज करूँगा? देखिए अगर इस चीज़ों में किसी को प्रॉब्लम आया, डिविजिबिलिटी रूल जो हमने पढ़ाया था जिसमें सम ऑफ डिजिट, डिविजिबल रूल, ये सब मैंने सिखाया था, तो आप करिए क्या, इसमें अगर दिक्कत आएगी तो आप करना क्या है कि प्लेलिस्ट में जाना है चैनल के, और वहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन नाम से एक बना हुआ है, वहाँ पे ये सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। ज़्यादा लंबा लंबा नहीं, एक एक दो दो क्लास का वीडियो है, एक एक दो दो वीडियो मिलेगा आपको, और वहाँ पे ये चीज़ें जब आप करेंगे तो ये चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं इस चीज़ों को डिटेल से नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूँ, ठीक है ना। वहाँ पे आप पहले एक बार वीडियो देख लीजिएगा, तब ये चीज़ें और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। हाँ, जो पढ़ रखे उसके लिए सही है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि देखिए ये 9 जो है यहाँ पे कटेगा ही नहीं, यानी 9 जो भी सॉल्यूशन होगा यहाँ पे 9 तो प्रेजेंट ही रहेगा, क्योंकि 9 कटने वाला है नहीं नीचे वाले वैल्यू से। यानी जो भी यहाँ पे रिजल्ट बनेगा उसमें ये 9 प्रेजेंट होगा मल्टीप्लाई होके, यानी जो रिजल्ट बना वो 9 प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो रिजल्ट बनेगा उसमें 9 होगा तो वो नंबर 9 से डिवाइड भी होगा, यानी जो रिजल्ट होगा वो 9 से डिवाइड भी होगा। अब हमें चेक कर लेना है कि जो यहाँ पे रिजल्ट बनेगा वो 9 से डिवाइड होगा, तो वही रिजल्ट तो यहाँ पे इसमें से कोई एक वैल्यू है। तो हम चेक कैसे करेंगे कि 9 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है? अब मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि 9 से डिवाइड कैसे हो रहा है, 7 से डिवाइड कैसे होगा, 13 से डिवाइड कैसे होगा, ये चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, ठीक है ना। एक बार फिर भी बता दे रहा हूँ थोड़ा सा कि देखिए 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो जितने भी ये नंबर है ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं कैसे चेक करेंगे? इसका डिजिट का सम समझिएगा, इसके जितने भी डिजिट है जैसे 1 है, 9 है, 0 है, 0, इसके डिजिट को अगर सम करते हैं तो सम करने के बाद या तो 9 आ जाएगा या फिर 9 का मल्टीपल आएगा, 18 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, कुछ भी सम करने के बाद तो वो नंबर हमारा 9 से डिवाइड होगा, ऐसे हम चेक करते हैं। बाकी डिटेल से पढ़ने के लिए आप पीछे का जो प्लेलिस्ट में सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स के नाम से वो प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर सारी वीडियो आप मिल जाएगा, वहाँ पे एक बार आप देख लीजिए। तो देखिए ये 9 से डिवाइड होगा तो 9+1 10 बन गया, यानी या तो 9 होना चाहिए या 18 होना चाहिए, 9 का मल्टीपल कुछ भी होना चाहिए यहाँ पे। तो ये नंबर 10 बन गया, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये 8 बन गया ये भी नहीं होगा, ये 4, 4, 8, 8, 9 बन गया यानी ये 9 से भाग होगा, ये भी 9 से भाग नहीं होगा, ऐसे हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ा, और ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मैं अपने मन से ये क्वेश्चन सब नहीं दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम का ही है। तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, कैलकुलेशन हमें नहीं करना पड़ रहा है। अब बात आती है, समझिएगा कि यहाँ पे क्या ना कि ये चीज़ें अगर हम मन में ही ये डेटा तैयार कर लें कि भाई 5% ये 20% डिक्रीज कर रहा है यानी 5 से 4 होगा, 10% डिक्रीज कर रहा है यानी 10 से 9 होगा, तो 9 यहाँ पे आ गया, इसका मतलब जो भी आंसर बनेगा वो 9 से डिवाइड होगा। अब आप लोग के मन में ये भी आएगा कि सर 4 आ गया है तो 4 से जो आंसर डिवाइड होगा, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सारे के सारे 4 से डिवाइड हो जाएगा। कुछ इस तरह का टर्म आता है जैसे 9 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इस तरह का कुछ 17 हो गया, 13 हो गया, इस तरह का कोई वैल्यू ऊपर में आ जाता है, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो नीचे वाले वैल्यू से कटना नहीं चाहिए। देखिए अगर 4 से हम चेक करते हैं तो ये कट जाएगा, यहाँ पे ये 2 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये 2 बन गया। अब 2 से डिविजिबल हम चेक करेंगे क्योंकि 4 तो प्रेजेंट ही नहीं रहा है यहाँ पे, क्लियर है चीज़ें। तो हम यहाँ पे देखे रहे थे 9 नीचे वाले नंबर से नहीं कट रहा था, यानी आंसर में 9 होगा तो इसका मतलब 9 से भाग भी होगा, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे चेक कर दिया, ठीक है। अब एक बात और कि किसी के मन में ये भी तो आ रहा होगा कि सर 2 ऑप्शन है समझ कर गया, तो मैं अगला क्वेश्चन में ये भी चीज़ें दिखा रहा हूँ, बाकी वो वीडियो देखिएगा तो वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ट्रिक वाला, तो वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब समझिएगा एक बात और मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि सर ऐसा भी होगा अगर नन ऑफ दीज आ जाता है कुछ आंसर में, और यहाँ पे ऑप्शन कुछ ऐसा है ना, इसी ऑप्शन को जो सही वाला आंसर था इस ऑप्शन को मैं ये चीज़ें हटा दे रहा हूँ, 144 को हटाकर 4140 लिख दे रहा हूँ। अब अगर आप चेक करते हैं कि 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, लेकिन ये ऑप्शन क्या 9 से डिवाइड, ये ऑप्शन तो 9 से डिवाइड हो गया, 4, 4, 8, 1, 9 बन रहा है, इसका मतलब 9 से भाग होगा, लेकिन क्या ये आंसर था? नहीं था, जो ओरिजिनल आंसर था इसका वो इस नन ऑफ दीज के थ्रू ढक दिया गया है।
तो अगर नन ऑफ दीज आ जाए तो नहीं लगाइएगा आप ये ट्रिक, फिर हमारा जो ये मेथड है इसी तरीके से आप करेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें भी लगा देंगे तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। 90% क्वेश्चन में तो सही हो जाता है वहाँ पे भी, लेकिन 10% पॉसिबिलिटी होता है कि वहाँ पे नन ऑफ दीज आ जाने पे गलत भी हो सकता है। तो इसलिए नन ऑफ दीज होगा तो आप यूज नहीं करेंगे वहाँ पे ये तरीका, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन से करने का। तो आप करिए क्या कि वो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको आप क्या कीजिएगा, ये चीज़ें जो है ना ये आप कोशिश करना कि मन में ही बन जाए। जैसे अगर 10% से इंक्रीज कर रहा है, जैसे यहाँ पे 10% डिक्रीज कर रहा है तो 10 से 9 हो रहा था, 10% इंक्रीज करेगा तो 10 से 11 हो जाएगा। तो हम 11 का डिविजिबल चेक करेंगे यहाँ पे कि 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन। तो ये चीज़ अगर मन में आप कर लेते हैं इतना वाला कैलकुलेशन, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, जहाँ पे ऐसा कुछ आ जाए ऑप्शन से करने के लिए तब। तो वो क्वेश्चन है उसको बनाइए आप। आइए समझिए क्वेश्चन को, सिमिलर क्वेश्चन है उसी हिसाब से करना है। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन से ही बन जाएगा ये क्वेश्चन, कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अगर ऑप्शन से करते हैं तो डायरेक्ट बन जाएगा ये। तो ये एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या बोला कि कोई एक शॉपकीपर है तो उसके पास कुछ खिलौने हैं, उसको सेल करता है तो 15% डिस्काउंट पे सेल करता है वो, यानी जितना भी उसका मार्क प्राइस रहा होगा उस पर 15% डिस्काउंट है। डिस्काउंट मतलब डिक्रीज करके 15% वो सेल करता है। फिर आगे बोलता है कि अगर नगद भुगतान करता है तो कैश पेमेंट करता है, जैसे कितना ऑनलाइन पे करेगा या फिर कितना कार्ड से पे कर देता है, वैसे ना करके अगर कैश पे करता है तो वैसे कस्टमर के लिए 4% वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देता है। यानी जो प्राइस बन रहा होगा 15% डिस्काउंट देने के बाद उस पर फिर से 4% का डिस्काउंट दे देगा। तो इस तरीके से दो डिस्काउंट दिया जा रहा है, एक 15% का और एक 4% का। तो बोलता है कि जो 200 का कोई खिलौना है, 200 रुपये का कोई टॉय है, तो वो नगद भुगतान करने वाला यानी कैश पेमेंट करने वाले जो आपका कस्टमर होगा उसको कितने का पड़ेगा, ये चीज़ें समझना है आपको। तो देखिए डायरेक्ट अगर आप सोचते हैं तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से ट्रिक लगा देंगे। क्या होगा, 15% का डिस्काउंट दे रहा है, 15% मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 3/20, 20 होगा नीचे तो ऊपर में कितना बन जाएगा, 3 से डिक्रीज करेगा, यानी वैल्यू डिस्काउंट मतलब डिक्रीज करेगा, ऊपर में 17 आ जाएगा। तो एक ऑप्शन तो हमारा ये बन गया कि 17 से ही हम चेक कर दें। दूसरा हमारा 4% का भी डिस्काउंट दे देता है, तो 4% का डिस्काउंट कितना, यानी हमारा बन जाएगा 4% मतलब 1/25, यानी 25 रहा होगा, 25 का 4% डिस्काउंट देगा यानी 24 बन जाएगा, नीचे 25 ऊपर में 24, यानी 24 होगा तो उसमें 3% है। देखिएगा 24 3 से डिवाइड होगा, यानी जो ऑप्शन होगा नीचे वाले वैल्यू से नहीं कटेगा 3, तो जो भी आंसर आएगा यहाँ पे उसमें 3% होगा। तो 3% होगा इसका मतलब जो रिजल्ट बनेगा हमारा वो 3 से भी डिवाइड होगा और 17 से भी डिवाइड होगा। एक बार समझा देता हूँ मैं। देखिए 200 मार्क प्राइस था उस खिलौने का, भाई 15% से डिस्काउंट हुआ पहले, तो 15% मतलब 3/20, 20 रहा होगा, 3 से डिक्रीज करेगा 17 बन जाएगा। फिर जो भी प्राइस बनेगा उसमें फिर से 4% का डिस्काउंट देगा, तो 4% मतलब 1/25, तो 25 रहा होगा, उसका 1 यूनिट डिक्रीज करेगा यानी 24 बन जाएगा। अब जो भी यहाँ पे रिजल्ट बनेगा, तो देखिए यहाँ पे 17% है, ये 17 नहीं कटेगा नीचे वाले वैल्यू से, तो आंसर में 17 आएगा, यानी जो आंसर बनेगा वो 17 से डिवाइड होगा। देखिए इस 24 में 3 भी अवेलेबल है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर ना समझ में आए ना कि 3 कैसे पकड़ रहे हैं सर आप ये चीज़ें, तो वो वाला वीडियो आप देखिए पहले, जो सिंप्लीफिकेशन ट्रिक से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ पे वो वीडियो देखिएगा तो ये सब चीज़ें क्लियर होने लग जाएगा। यहाँ पे मैं उतना डिटेल से ये चीज़ें नहीं बता सकता क्योंकि बार बार ये चीज़ें रिपीट होने लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर 3% है, यानी 17 और 3 दोनों से आंसर भाग होगा, जो भी आंसर बनेगा 17 3 दोनों से डिवाइड होगा। अब 3 से डिवाइड, अब हम पहले क्या चेक करेंगे, 3 से डिवाइड, 3 से कोई नंबर डिवाइड होगा कि नहीं, वो चेक करना इजी होता है क्योंकि जो भी इसका डिजिट का सम होगा, या तो 3 बन जाए, 6 बन जाए, 9 बन जाए, उस तरह से कुछ डिजिट का सम बन जाता है तो 3 से डिवाइड होगा। फिर हम 17 से भी बता रखे हैं ये रूल, उसी वहीं पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी उस वीडियो में, तो वहाँ से एक बार आप देख लीजिएगा तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले हम 3 से चेक करेंगे कि 3 से ये पहला ऑप्शन जो दे रखा है डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 3, 3, 6, 7, 1, 8 ये 3 से भाग नहीं होगा, 9, 8, 1, 9 यहाँ पे बच गया तो ये भी 3 से भाग नहीं होगा। यहाँ पे हो गया 6, 3, 9 और 3 यहाँ पे ये 3 से भाग हो जाएगा। यहाँ पे देखें 3, 3, 5, 1, 6 ये भी 3 से भाग हो जाएगा, दो ऑप्शन मैच कर गया। तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, यहाँ पे 17 से चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा ये नंबर 17 से सीधा सीधा दिख रहा है, 17 से डिवाइड करेंगे 9 मरतब पे, 17 से 9 टाइम्स पे ये 153 तो हो जाएगा, 3 बच जाएगा, तो ये नंबर 9 से 17 से डिवाइड नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा।
बाकी अगर आप सॉल्व करते हैं तब भी हमारा वही चीज़ें आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज का क्लास हम इतना ही रखेंगे। आज के क्लास में हमने थोड़ा सा आसान आसान सा भी क्वेश्चन लिया था, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में एक बार सेट करना था। ये सब चीज़ें एक बार अगर अच्छे से समझ गए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पे अप्रोच करना है, इसके बाद फिर हम अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में फिर हम करवाएंगे। एक क्लास इस टाइप का और चलेगा, एक क्लास के बाद आपका जो लॉजिकल क्वेश्चन है वो चीज़ें स्टार्ट हो जाएगा। तो एक क्लास हम करेंगे ये टाइप और इसके बाद हमारा लॉजिकल क्वेश्चन में 20-25 क्वेश्चन करेंगे जितना भी क्लास लग जाए, इसके बाद हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास हम यहीं पर रखते हैं। अब जो स्टूडेंट नए हैं, नए पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो मैं वीडियो देता रहूँगा वो चीज़ आपको मिल जाए आराम आराम से। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि सर यहाँ पे ये चीज़ें डाउट हो रहा है, मैं बता दूंगा उस चीज़ों को। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।